गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट प्रोनाउन के बारे में। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया आपको नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इट मीन्स प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। हम आपको दो सेंटेंस दे रहे हैं। एक, राम इज अ गुड बॉय, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो राम इज अ गुड बॉय में राम एक नाउन है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। वह कौन? वह मींस राम स्कूल जाता है। तो सेकेंड सेंटेंस में ही जो है राम के बारे में बता रहा है। ठीक उसी तरह से हमने एग्जांपल्स कुछ लिख रखे हैं आपके लिए, जो कुछ फेमस एग्जांपल हैं। ही सी इट आई वी यू दे, ये फेमस प्रोनाउन है। मोस्टली इन प्रोनाउंस के बारे में ही छोटे बच्चों को बताया जाता है। चूंकि आप बड़े क्लास के हैं तो हम आपको थोड़ा सा अलग बताएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ अलग प्रोनाउन के बारे में और साथ साथ उनके काइंड के बारे में जानेंगे। फर्स्ट काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्सनल प्रोनाउन हमारे इन्हीं पॉपुलर फेमस जो हमारे प्रोनाउन है उन्हीं से बने हैं। इन प्रोनाउंस को तीन भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर आप इसको याद करते हैं ठीक से तो यह आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हेल्प करेगा, आप अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, स्पीकर। सेकेंड पर्सन सुनने वाला होता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव बताया है। सब्जेक्ट आई वी, फर्स्ट पर्सन में आई का ऑब्जेक्ट मी, पोसेसिव माई, वी का ऑब्जेक्ट अस, पोसेसिव आवर। ठीक इसी प्रकार से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव मैंने यहां पे लिख रखे हैं, आप लोग याद कर लीजिए जिससे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आसानी हो। इसमें आप देख सकते हैं कि ही सी इट आई वी यू दे के ऑब्जेक्ट और पोसेसिव के बारे में बताया गया है। इन्हीं प्रोनाउन को यहां पर तीन भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कुछ अदर इसके पार्ट जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड काइंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एक इसका थर्ड पार्ट भी है इम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन एक जैसे होते हैं लेकिन यूज बताता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फैटिक प्रोनाउन है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह ऑब्जेक्ट की साइड यूज होता है, जो इम्फैटिक प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट की साइड में यूज होता है और सेम होते हैं। ऑब्जेक्ट और जो पोसेसिव केस होते हैं अगर उनमें सेल्फ और सेल्वेस लगा दें तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स तो एक जैसे होते हैं लेकिन यूज पर पता चलता है कि वह रिफ्लेक्सिव है या इम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो एक्शन होता है सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, टर्न बैक अपॉन इट, इट मीन्स वह उसी को दोबारा शो करता है। द बॉय हिड देमसेल्वेस, मतलब बच्चों ने स्वयं को छिपा लिया। द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, बूढ़े आदमी ने स्वयं फांसी लगा ली, मतलब उसने कार्य स्वयं किया। इसमें दिखाया जा रहा है कि कर्ता ने काम स्वयं किया है। इम्फैटिक प्रोनाउन में क्या है कि इम्फैटिक प्रोनाउन आर यूज टू शो द फर्म वर्क, अदर सेल्फ और ओन सेल्फ। इम्फैटिक प्रोनाउन्स में किसी की बात को फर्मली शो करना होता है, और स्वयं के लिए हो या दूसरों के लिए हो।
ओन सेल्फ, स्वयं के लिए हो या दूसरों के लिए हो, लेकिन वो फर्मली शो किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, आई माई सेल्फ सॉ यू स्मोकिंग, मीन्स मैंने स्वयं तुम्हें स्मोकिंग करते हुए देखा, मैंने स्वयं देखा। मैं अपनी बात पे जोर दे रहा हूँ कि मैंने स्वयं देखा कि आप स्मोकिंग कर रहे थे। सी हर सेल्फ से सो, वह स्वयं ऐसा कहती है। इस बात पे हम जोर दे के कह रहे हैं कि वह स्वयं ऐसा कहती है, डेफिनेटली, फर्मली। सो दोनों के एग्जाम्पल एक जैसे होते हैं, सब में सेल्फ और सेल्वेस लगा होता है। जो प्लूरल नंबर है उनमें सेल्वेस लगाते हैं, देम सेल्वेस में देख सकते हैं कि लास्ट में सेल्वेस है चूंकि प्लूरल को शो करता है, उसमें सेल्वेस लगाते हैं। जो सिंगुलर नाउन्स को शो करता है उसे, उसमें हम सेल्फ लगाते हैं। अगला पार्ट देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर आल्सो कॉल्ड इंडिकेशन वर्ड। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम संकेत वाचक शब्दों के रूप में जान सकते हैं। इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन यूज के आधार पर हम इनको प्रोनाउन और एडजेक्टिव बता सकते हैं। दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है, हम इंडिकेशन दे रहे हैं। दैट इज, इशारा करते हुए हम बताते हैं, किसी को अगर हम बताएं तो इशारा करते हुए बताते हैं, दिस इज माई पेन, दैट इज योर बुक, दीज आर फ्लावर्स, दोज आर ट्रीज। दिस दैट दीज दोज का जब भी हम यूज किसी के सामने करते हैं या उसके सामने हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, दिस दैट दिस दोज से रिलेटेड, सो हम इंडिकेशन देते हुए बोलते हैं। ये आपके एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन प्रोनाउन में जो है नाउन और प्रोनाउन अलग अलग है, लेकिन अगर एडजेक्टिव हम आपको बताएंगे जब, उसमें हम इस तरह से दे सकते हैं कि दिस पेन इज रेड, तो उसमें नाउन के साथ अगर यूज हुआ होगा तो वहां पर वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो सो नाउन के साथ में जब ये दिस दैट लगा होगा तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और यहां पर नाउन से अलग यूज हुआ है इंडिकेशन के रूप में, सो दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में अ प्रोनाउन यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ऐसा प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछे उसे हम इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाट और हु यूज किया गया है। वैसे तो व्हाट और हु क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, लेकिन यूज के अकॉर्डिंग इनको हम प्रोनाउन कह सकते हैं। हम यहां पर अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, देमसेल्वेस, हिमसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ, दिस, दैट, दीज, दोज, व्हाट और हु। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट माई वीडियोज अराइव यू सून। Thank you so much.